हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां पर आपसे जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, उन पे आपकी राय ली जाती है और उसके बाद बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे अधूरी शिक्षा की। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी शिक्षा है जो अधूरी मिल रही है, यानी कि पूरी ही नहीं मिल पा रही। जी हाँ, कुछ यही हो रहा है इन दिनों छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, क्योंकि स्कूल में वो जाते तो हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वो शिक्षा उनको पूरी नहीं मिल पाती है। ये खबर रानिया से आ रही है, जहां पर थेड़ी मोहट सिंह के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर ये जो आपको ग्रामीण दिख रहे हैं या ये जो छात्र आपको दिख रहे हैं, इनकी मांग है इनका स्कूल अपग्रेड हो जाए। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, और इसी को लेकर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। पहले दर्शक हमारे साथ आरके कालिया जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार कालिया जी, बताइए। आरके कालिया जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? देखिए, हमारे देश का प्रजातंत्र ही कुछ ऐसा है, ये महात्मा गांधी जी की मेहरबानी है सारी। धरना प्रदर्शन तो होना स्वाभाविक है, धरना प्रदर्शन होगा जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, धरना प्रदर्शन जो होता है ये दायरे के अंदर हो, बिल्कुल मर्यादा के अंदर हो। ग्रामीणों को किसने हक दिया स्कूल को ताला लगाने का? ये कानून अपना हाथ में ले रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। ये भी प्रजातंत्र के लिए खतरा है, मैं कहना चाहूंगा आपको जन के माध्यम से। जहां तक इनकी मांग की बात है, मिल बैठकर अच्छे वातावरण में बात होनी चाहिए। अगर वहां वास्तविकता में वहां पे अपग्रेडेशन की, स्कूल के दर्जा बढ़ाने की बात कहीं नजर आती है, तो प्रशासन को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा, बिल्कुल सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। जहां तक फंड की बात है, हमारे जो राजनेता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सम्मेलनों में, अपने जो समारोह करते हैं, स्वागत समारोह हो रहा है कहीं जी। कहीं जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ उतना खर्च करते हैं तो ग्रामीणों की जो बात है वो मान लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरके कालिया जी। देखिए, बहुत सारे दर्शक होते हैं हमारे साथ, हम चाहते हैं कि सभी दर्शकों को मौका मिले और आप अपने जो भी राय है वो कम शब्दों में हम तक पहुंचाएं। नियमित दर्शक कृष्णा शर्मा जी रोहतक से हमारे साथ जुड़ी हैं। कृष्णा जी बताइए, स्कूल अपग्रेडेशन की मांग आपको कितनी जायज लग रही है और जो ग्रामीणों ने कदम उठाया उस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन मैडम, एकदम अचानक ताला लगा के धरनेबाजी करना मैडम ये गलत है। लिखा पढ़ी कर तरीके से, सूझबूझ से, समझदारी से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके और उनके पास जाना चाहिए। और मैडम ये मांग उनकी जायज है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, गांव से शहर में पढ़ने आते, डबल तो खर्चा लगता है, व्हीकल अलाउंस लगता है, माँ बाप को बच्चों को 4 बजे घर से निकालना पड़ता है, उठना पड़ता है, जल्दी बच्चे आती है, देर से घर पहुंचते हैं, तो काफी समस्या है मैडम बच्चों के साथ। ये जायज मांग है उनकी, लेकिन मांग का तरीका गलत है मैडम। एकदम ताला लगा देना, अगर वो गांव के वहां के टीचर लगाते तो भी उससे भी व्यवस्था होती है मैडम, तो शहर का अध्यापक लगाना चाहिए, बाहर के दूसरे गेट पढ़ाने जाए। और ये डबल शिफ्ट में भी चल सकता है, अगर बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग पूरी बढ़िया दिख रही है तो ये डबल शिफ्ट में चल सकता है। उनकी मांग जायज है, तो सरकार को भी और अन्य खर्चे घटा घटू के और इनकी मांग मान के और इन बच्चों के भविष्य के लिए ये स्कूल आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद मैडम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये इनकी राय थी, कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी। और वाकई में क्या स्कूल पर ताला लगा देना, ताला जड़ देना, प्रदर्शन करना यही एकमात्र रास्ता है क्या? क्योंकि देखिए, इससे तो इन छात्रों की पढ़ाई और ज्यादा बाधित होगी। इनकी मांग सिर्फ यह है, 5वीं तक का इनका स्कूल है, ये चाहते हैं कि 10वीं तक वो हो जाए, क्योंकि 5वीं के बाद जब ये अगली क्लास में जाते हैं, 6ठी क्लास में, तो उसके लिए इनको 10 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करना पड़ता है। अब सोचिए, ये वो प्रदेश है जहां पर
बच्चों को वैसे ही पढ़ने नहीं दिया जाता, और वहां पर भी अगर उनको इतना दूर का रास्ता तय करना पड़ेगा तो क्या ये बच्चे स्कूल में जा पाएंगे या फिर 5वीं तक ही पढ़ पाएंगे। अगले दर्शक बीके यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार बीके यादव जी, बताइए आज के मुद्दे पर क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी, कहिए। नमस्कार जी, बहुत नमस्कार। बहुत आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा जब तक ये प्रशासन नहीं जागेगा और सरकार भी नहीं जागेगी, तब तक नहीं जागेंगे, तब तक ये जो जनता है अलग, जनता को जागना होगा सबसे पहले। एक तो जब इलेक्शन होते हैं और जो वैसे जो दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो ऐसे नेता होते हैं जो ग्रामीणों की बात नहीं मानते हैं, समस्याएं नहीं सुनते हैं जी। तो एक तो अब अपने गांव के बाहर डंडा लेके खड़े हो जाना तीन गांव वालों को, कोई भी हो। और जब ये दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो कोई किसी पार्टी के भी नेता है ना, उनके डंडा लेकर के वापिस भगा दिया जाए इलेक्शन के टाइम, और इनकी जमानत जब्त कर देनी चाहिए। जब ये बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई अधिकारी ये जनता की सुनते ही नहीं, क्या सिस्टम बना रखा है, कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, कोई भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, सब सब कुछ सब मतलब कह दो 90% भ्रष्टाचार, 10% के सारे कई देश और नेता के 10% के सारे, ये बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। थोड़े समय पहले चौधरी बंसीलाल के टाइम जो डरते थे कर्मचारी, इतने डरते थे थर थर कांपते थे, थर थर। और आजकल के तो कर्मचारी ना अधिकारी की चीज डरते हैं, अपने कुर्सी पे आ जाते हैं, जनता जाए बाहर में, जनता की कोई नहीं सुनने वाला, जनता की कोई नहीं सुनने वाला। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया बीके यादव जी जुड़े आप हमारे साथ। ऐसे ही बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय हमारे साथ जरूर पहुंचाएं, हमारे साथ साझा कीजिए। बात आज हम कर रहे हैं अधूरी शिक्षा की, क्योंकि जो छात्रों की मांग है वो ये कि इनका स्कूल अपग्रेड हो जाए, लेकिन क्या इनकी मांग को प्रशासन सरकार पूरा नहीं कर पा रही है या क्यों नहीं कर पा रही उसका। हालांकि हर स्कूल को अपग्रेड करना भी इतना आसान नहीं है, ये एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समझना पड़ता है, कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ टर्म्स होने चाहिए उस स्कूल में जिसके बिहाव पर इसमें अपग्रेड किया जा सके। क्योंकि अगर ये स्कूल आगे अपग्रेड होता है तो उसमें शिक्षक भी चाहिए होंगे, टीचर चाहिए, हर सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, तो ये एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भी जरा समझना होगा ग्रामीणों को भी, छात्रों को भी। लेकिन अगर छात्र कोई मांग उठा रहे हैं तो कम से कम उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है कि कितनी मुश्किलें आती होंगी रोजाना इनको, धूप है, बरसात है, कभी सर्दी है, इस बदलते मौसम में ये स्टूडेंट्स 10 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके अगर रानिया पढ़ने के लिए रोजाना जाएंगे तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे वो जाते होंगे। किशन हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। नमस्कार किशन जी, बताइए क्या राय है आज के मुद्दे पर। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हरियाणा न्यूज का, ये आपने जो है ना ऐसी इतनी बढ़िया खबर दी है जो ग्रामीणों को घी डालने का काम कराया। मैं ये कहता हूँ ये जो छात्रों ने कदम उठाया है, ग्रामीणों ने साथ मिलकर उठाया है, एक बहुत अच्छा कदम है जी। सरकार को जगाने के लिए। हाँ। जो बच्चे जो खास तौर से जो बेटी है ना जी, 10 किलोमीटर दूर जाके हर माँ बाप नहीं पढ़ा पाता। बिल्कुल बिल्कुल, आज का टाइम देखते हुए मैं तो ये कहता हूँ ये जो आपने बात ऊपर तक पहुँचाने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। ये ग्रामीणों को इस ऐसे मैटर में जागना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रामीणों ने भी कदम उठाया है और इनका समाधान बहुत जल्दी करवाना चाहिए सरकार को। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ किशन। और कई बार ऐसा हुआ भी है, हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ ऐसी कई खबरें दिखाई हैं। फरीदाबाद आपको याद होगा जहां पर स्कूल अपग्रेडेशन की मांग जोरों शोरों से उठ रही थी, वहां पर हरियाणा न्यूज की टीम पहुंचती है, वो स्कूल अपग्रेड भी होता है, वहां पर नेता पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, बच्चों को आश्वासन देते हैं बच्चियों को, क्योंकि काफी दिनों से वो धरने पर बैठी रहती है स्कूल अपग्रेड की मांग को लेकर, और उनकी मांग को फिर पूरा भी किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत आगे का जो काम है वो किया भी जाता है और वो स्कूल फाइनली अपग्रेड हो जाता है। लेकिन क्या हर एक स्कूल को अपग्रेड कर पाना सरकार प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर है, या फिर ये जो मांगे बार बार उठाई जा रही हैं छात्रों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से, ये मांगे उनकी पूरी की जाएंगी, जरूर हम देखेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हरियाणा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं अधूरी शिक्षा की। आखिरकार क्यों हरियाणा के बच्चों को शिक्षा पूरी नहीं मिल पा रही है, आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, हम तक जरूर पहुंचाएं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ और ऐसा हो सकता है, तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। टेलीफोन नंबर्स लगातार हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। बात आज हम कर रहे हैं रानिया की, जहां पर छात्र परेशान हैं, स्कूल को अपग्रेड करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को आखिरकार प्रशासन कितना सुन रहा है, इनकी मांगों पर आखिरकार सरकार कितना ध्यान दे रही है, प्रशासन आखिरकार इसके लिए क्या कदम उठा रहा है, ये आज अहम बात उठ रही है। क्योंकि इससे पहले भी स्कूल को अपग्रेड करने को लेकर कई बार छात्र धरने पर बैठे हैं, लेकिन यहां पर तो हमने देखा कि जो ग्रामीण हैं, जो अभिभावक हैं, उन्होंने ताला जड़ दिया स्कूल पर। अब क्या स्कूल पर ऐसे ताला जड़ने से बच्चों की पढ़ाई और बाधित नहीं होगी? स्कूल को अपग्रेड करने की मांग है इनकी, धरना प्रदर्शन को गंभीरता से प्रशासन क्यों नहीं लेता, यह अहम सवाल है। कहीं प्रदर्शन से आपको परेशानी तो नहीं हो रही? ग्रामीणों की आखिर प्रशासन सुनता क्यों नहीं है? क्या प्रदर्शन करके ही जो उसका समाधान है, जो हल है, वो निकल पाएगा? और प्रशासन से जो आर पार की लड़ाई इस वक्त ग्रामीण लड़ रहे हैं, वो आखिरकार क्या नया मोड़ लेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाश रहे हैं। कार्यक्रम में आप सभी दर्शक जुड़े हमारे साथ, जुड़कर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये हमें करना चाहिए, या फिर आपको लगता है आपके इलाके में भी कभी ऐसी मांग उठी हो स्कूल अपग्रेड की और उस पर ये समाधान निकला हो। राम हमारे साथ गुरुग्राम से नियमित दर्शक जुड़ चुके हैं। राम नमस्कार, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर, बताइए। मैं बताना चाहूंगा आज क्या पोजीशन आ चुकी है देश के अंदर। जितने भी नेता इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं जी। और इस तरह जनता उतरेगी और ताला लगा रहे, मैं ताला क्या, पूरी तरह जब तक मांग पूरी ना हो जब तक ताला खुलना ही नहीं चाहिए। पूरा ठोस ग्रामीणों को जागरूक होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। बीके यादव जी बहुत बढ़िया कह रहे थे, मैं समर्थन करता हूँ। कालिया साहब भी अच्छा कह रहे थे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा जनता से, मांगे पूरी करवाओ, धरना तब खत्म करो, नहीं तो ये देश को लूट लेंगे नेता, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो धरना प्रदर्शन खत्म होना चाहिए, ये इनकी राय थी। आपकी राय में आपको क्या लगता है कैसे धरना प्रदर्शन खत्म हो पाएगा? राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से नियमित दर्शक, नमस्कार सचदेवा साहब, बताइए क्या कहेंगे आज? नमस्कार जी। जी, ये 70% लोग हमारे गांव में ही रहते हैं और गांव में ही रहने के कारण ये वोट देते हैं और उनके वोट से ये सरकार बनी है। फिर इसमें अगर 5वीं से 10वीं तक अगर डिमांड करते हैं तो इसमें क्या होता है? वैसे तो ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हवाई जहाजों पर जाते हैं, क्या 10 मील, मतलब ये आज एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटे पढ़ेंगे वो नहीं करेंगे तो वो ये कैसे होगा? हर चीज की कोई गुद्दाई, मनोहर लाल खट्टर जी तो अपने बहुत ज्यादा वायदा करते हैं, वो तो अपने रथों में घूम रहे हैं। क्या एक लड़की या एक बच्चा 10 मील पैदा कर सकता है? अगर 5वीं से अगर 10वीं तक बढ़ाने में, वैसे तो बजट बहुत ज्यादा होता है, रामलाल शर्मा ने पढ़ाई के लिए बजट बहुत ज्यादा दिया है, वो हर चीज का बजट अलग मिलता है, फिर ये क्यों इनका क्या जाता है? अगर जाना है तो हरियाणा का ही जाना है, हरियाणा गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ देती है, वो क्यों नहीं करते? सबसे लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, बजट कहाँ जाता है? फिर ये जो शिक्षा के नाम पे, जो पढ़ाई के नाम पे मिलता है, सर ये भ्रष्टाचार ही कहता है, भ्रष्टाचार नहीं करते, वो नहीं करते, फिर ये बच्चे बेचारे, सब लास्ट में ये कर जाता हूँ, 10 मील पार करना हमारे जैसे बड़ों का भी वो नहीं हो सकता, तो ये तो बच्चे हैं, बच्चे ही ताला जन जड़ेंगे। कहते हैं ना, दिन रोए तो माँ भी दूध देती, अगर बच्चा रोएगा तो दूध दोएगा, ये ताले लगाएंगे तो जब भी कुछ हो सकता है। नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद। शुक्रिया राम सचदेवा जी, इनको लगता है कि अगर वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगी, मतलब प्रशासन नहीं सुनने वाला, इसलिए आवाज आपको उठानी होगी। आपके इलाके में भी कभी क्या ऐसी कोई मांग उठी है, और अगर ऐसी मांगे उठी है, समाधान उसका क्या निकला, क्या मांगे पूरी हुई है,
या फिर नहीं पूरी हुई, जो भी आपकी राय है बहुत जल्द आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। समय काफी कम रह गया है। टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको, इन नंबर्स पर आप कॉल हमें कीजिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, आप ही का एक कार्यक्रम है। आज बात हम कर रहे हैं शिक्षा की, शिक्षा व्यवस्था की। बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए अगर 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़े, अगर वो 10 किलोमीटर रोजाना जाएंगे तो सोचे कैसे वो अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। छोटे बच्चे भी हैं, उनमें लड़कियां भी हैं जिनको अमूमन इतनी दूर पढ़ाई करने की इजाजत नहीं मिलती, ना ही अभिभावकों के पास इतना काम है कि वो हर बच्चे को लेकर जाएं, उसके बाद फिर उसको वापस सुबह स्कूल छोड़कर आए, फिर स्कूल से लेकर आए। तो कैसे समाधान निकलेगा? क्या पांचवी तक ही बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करके स्कूल को ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अगर उनको आगे पढ़ाई करनी है तो उनको बहुत दूर जाना है, जो कि मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बीके यादव जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं एक बार। बीके यादव जी बताइए, क्या राय है, कहिए। सबसे पहले तो मैं राम जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे शब्दों का थोड़ा सहमति जताई, बहुत बहुत थैंक यू राम जी। और मैं ये कहना चाहूंगा सरकारी स्कूलों में न तो जो एजुकेशन प्रणाली थी वो खराब पड़ी है, न कोई किसी प्रकार की सुविधा है, न स्टाफ की है, और ऐसी शिक्षा दे रहे। तो लाल मकाले ने जो शुरुआत की थी, एक पीएम की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से पा सकते हैं। आज सरकारी स्कूलों का वो हाल है, और सरकारी स्कूलों पर खर्चा बहुत ज्यादा सरकार कर रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, सीएम साहब से, ये एमएलए है ना, जितने मंत्री है, इनसे कोई हमें विश्वास नहीं रहा, सब ऐसे ही लग रहे हैं हमें। तो सीएम साहब के ऊपर भरोसा है, सीएम साहब से मेरा नम्र निवेदन है, शिक्षा के ऊपर और हेल्थ के ऊपर तुरंत ध्यान दीजिए, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी तनख्वाह काटिए, और उनके सट्रिक उसके ऊपर एक्शन दिया जाए, और जो भी जनता इनके पास अधिकारी उनके पास काम करने जाता है जनता, अगर ये 24 घंटे के अंदर कोई जवाबदेही फीडबैक नहीं देते हैं, इनके ऊपर एक्शन, तुरंत एक्शन दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए अलग अलग सुझाव दर्शकों की तरफ से आए हैं, सुझावों के बाद कोशिश यही थी कि कुछ समाधान निकले, क्योंकि हल्ला बोल जो ये दर्शक कर रहे हैं, जो ये ग्रामीण कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही है कि समाधान जरूर निकले, अन्यथा बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी, जो कि भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालना जैसा है। प्रशासन इनकी मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या समाधान इसका निकलेगा, क्या स्कूल अपग्रेड होता है या फिर कुछ और इसके लिए प्रशासन की तरफ से कदम उठाया जाएगा, जरूर देखना होगा।